एपिसोड 168 रिजेक्टेड। उत्कर्ष शांत रहकर बड़े ध्यान से बोला, अगर सच कहूं तो मैं भी ऋषि की चॉइस ऑफ सॉन्ग से बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। सब लोग हैरान रह गए, अगर उत्कर्ष विदुषी की परफॉर्मेंस से इतना डिसअपॉइंटेड है तो उसने अपना बजर बटन क्यों दबाया। सब लोगों के मन में बस यही सवाल चल रहा था। तभी अनिरुद्ध गुस्से में उत्कर्ष की बात को टोकता हुआ बोला, मेरे आर्टिस्ट की चॉइस ऑफ सॉन्ग पर तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। उत्कर्ष मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा, यही तो प्रॉब्लम है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि विदुषी की आवाज बुरी नहीं है। आई डोंट नो कि तुमने कभी विदुषी पर ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने विदुषी की सिंगिंग को जाना है, वो आसानी से कुछ गानों को ऐसे गा सकती है जो कोई दूसरा आर्टिस्ट नहीं गा सकता। मैंने कभी विदुषी पर ध्यान नहीं दिया, इस बात से इसका क्या मतलब है? इस बार अनिरुद्ध ने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया, लेकिन वो जिद्दी हो गया। इस उत्कर्ष की बात का क्या मतलब है? क्या एज अ प्रोड्यूसर ये मेरी एबिलिटी पर शक कर रहा है? शायद इसे ये नहीं पता कि वेवे डांस एंटरटेनमेंट में मैंने ही विदुषी की आवाज को पहचाना था। अनिरुद्ध ने तीखी आवाज में जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि विदुषी की आवाज बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेवे डांस एंटरटेनमेंट विदुषी के लिए ऐसा गाना चूज करने की गलती कैसे कर सकता है? बेशक उत्कर्ष की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन वो अनिरुद्ध को ताना मारने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। इतनी टैलेंटेड सिंगर होने के बावजूद भी मिस विदुषी को इतना बेकार गाना गाने का मौका मिला। मुझे लगता है कि अगर विदुषी कोई दूसरा गाना गाती तो यहाँ बैठे सारे प्रोड्यूसर्स अपना बजर बटन दबा देते। उत्कर्ष ने विधि की तरफ देखा और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा गाना बनाऊंगा जो तुम्हारे सिंगिंग स्टाइल को बिल्कुल सूट करेगा। इस बार अनिरुद्ध ने उत्कर्ष की बात पर कोई सवाल नहीं उठाया। वो बस विधि को लगातार घूर के देखने लगा। उसे अच्छी तरह याद था कि विदुषी अपनी परफॉर्मिंग पोजीशन से बहुत लेट आई है, और ऊपर से उसको ये सॉन्ग किसी ने गाने को नहीं बोला था। जो कुछ भी बैकस्टेज हुआ उस बारे में अनिरुद्ध को अभी तक कुछ नहीं पता था। वो बस बाकी प्रोड्यूसर्स के साथ बैठकर उत्कर्ष की एडवाइस सुन रहा था। ऑब्वियसली वो अपने ओरिजिनल प्लान को सब लोगों के सामने ऐसे नहीं बता सकता था। विधि अनिरुद्ध की नजरों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप मुस्कुराकर उत्कर्ष की बातें सुनने लगी। उत्कर्ष की टीम ज्वाइन करने वाली बात सुनकर विधि माइक को अपने मुंह के पास लाई और अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर उत्कर्ष को पूरी तरह से रिस्पेक्ट देते हुए जवाब देने लगी, थैंक यू मिस्टर उत्कर्ष। अगर सच कहूँ तो मैं इस गाने को जरा भी खराब नहीं समझती। ये गाना काफी अच्छा है। बेशक इस गाने को गाने के लिए ज्यादा स्किल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी गाने को दिल से गाना स्किल्स के साथ गाने से ज्यादा बेहतर है। विधि साफ साफ झूठ बोल रही थी। उसने ये दिल वाली बात इसीलिए कही क्योंकि एक बार अनिरुद्ध ने इसी बात के लिए विधि को समझाया था। इस बात को बोलने के पीछे का मेन रीजन ये था कि जब उत्कर्ष दीवा विधि के लिए गाना लिखता था तब वो उसे दिल से गाने के लिए कहता था। विधि ने उत्कर्ष के मुंह से अपनी बहुत कमियां सुनी हुई थी। उसने उन्हीं कमियों को दिखाते हुए उत्कर्ष की बात का जवाब दिया। उसके मुंह से दिल वाली बात सुनने के बाद अनिरुद्ध के चेहरे का चिड़चिड़ापन कम हो गया, लेकिन इस बारे में सोचने का ये सही टाइम नहीं था। इस समय मेन फोकस उत्कर्ष की टीम ज्वाइन करने का था। उत्कर्ष एक ऐसा अकेला म्यूजिक प्रोड्यूसर था जो विधि की इतनी बेकार परफॉर्मेंस के बाद भी उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। उत्कर्ष की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते देख अनिरुद्ध को विधि के ऊपर एक बार फिर से गुस्सा आने लगा। हालांकि उत्कर्ष को विधि की बात का जरा भी बुरा नहीं लगा और वो शांत होकर बोला, तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम्हारे दिल का भी ख्याल रखूंगा। नहीं, अनएक्सपेक्टेडली विधि ने उत्कर्ष की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। थैंक्स फॉर चूजिंग मी मिस्टर सिंह, लेकिन मैं आपकी टीम नहीं ज्वाइन कर सकती। यू आर नॉट माई चॉइस। ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। ड्रेसिंग रूम में मुक्ति को जेलिसी, बेचैनी और विधि के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ये लड़की मिस्टर उत्कर्ष को कैसे रिजेक्ट कर सकती है? मुझे तो पहले ही पता था
इस लड़की का एटीट्यूड एकदम से ले डूबेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर उत्कर्ष को रिजेक्ट करने की? कोई लड़की इतनी इरिटेटिंग कैसे हो सकती है? मुक्ति का गुस्सा जायज था। ऑडियंस और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे वो सब भी विधि की बात सुनकर अपना होश खो बैठे। क्या ये सब कुछ शो को चटपटा बनाने के लिए प्लान किया गया है? एग्जैक्टली कोई भी अपने होशो हवास में मिस्टर सिंह को रिजेक्ट करने की गलती नहीं कर सकता। हालांकि उत्कर्ष को रिजेक्ट करने में विधि पूरी तरह से सीरियस थी। वो उत्कर्ष की आंखों में देख रही थी। उत्कर्ष ने पूछा, क्या तुम मुझे रिजेक्ट करने के पीछे का रीजन बता सकती हो? उत्कर्ष ने हजारों लोगों का सवाल विधि से पूछा। विधि ने जवाब दिया, मिस्टर सिंह मुझे अच्छी तरह याद है आपने मुझसे कहा था कि मैं लेट दीवा विधि की तरह गाती हूँ। उत्कर्ष ने अपना सर हिलाया। कुछ ही दिनों पहले अनिरुद्ध और विधि से बात करते हुए उत्कर्ष ने कुछ ऐसा ही कहा था। विधि आगे बोली, हालांकि मुझे नहीं लगता मैं किसी दूसरी सिंगर की तरह गाती हूँ। मिस्टर सिंह मैंने उस दिन आपको कहा था कि बहुत ही सिंगर दूसरी दीवा विधि बनना चाहती है, लेकिन मेरा ऐसा सपना नहीं है। मेरा सर यही एक रीजन है जिससे मैं आपको रिजेक्ट कर रही हूँ। विधि के कहने का मतलब था कि उसे डर है कहीं दीवा विधि का पुराना प्रोड्यूसर होने की वजह से कहीं वो उससे उसकी पर्सनालिटी छीनकर उसे दूसरी विधि ना बना दे। सब लोग गुस्से से उबल रहे थे। एक छोटी सी नई सिंगर इतने बड़े प्रोड्यूसर से इस तरह कैसे बोल सकती थी? इतने सारे लोगों के सामने विधि का दीवा विधि के बारे में बोलना सही नहीं था। दीवा विधि और उत्कर्ष की जोड़ी के बारे में सब लोग जानते थे। वो उन दोनों की जोड़ी से बहुत प्यार करते थे। उत्कर्ष और विधि ने एक साथ मिलकर बहुत नाम कमाया था। सब लोग विधि के अगेंस्ट शोर मचाने लगे। बैकस्टेज ड्रेसिंग रूम में मेघना को इतना गुस्सा आ गया कि उसने कांच के ग्लास को जमीन पर दे मारा। ये लड़की किस तरह का दिमाग चला रही है? माना अगर इसे सच बोलना था तो सच बोलने की कोई जगह होती है? ये कोई टाइम है लोगों के सामने ऐसे बोलने का? उत्कर्ष को रिजेक्ट करके इसको क्या बेनिफिट मिल जाएगा? मेघना को गुस्से में देखकर वेवी डांस एंटरटेनमेंट के आर्टिस्ट मेघना को शांत करने की कोशिश करने लगे। स्टेज पर विधि की ट्रीटमेंट सुनकर उत्कर्ष के हाव भाव बिगड़ गए। क्या मुझे रिजेक्ट करने के पीछे यही रीजन है? क्या ये सिर्फ मेरी टीम में ना आने के लिए बहाना बना रही है? उत्कर्ष गहरी सोच में पड़ गया। स्टेज एंकर बोला, विदुषी तुम्हें थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। मिस्टर अनिरुद्ध के अलावा सिर्फ मिस्टर उत्कर्ष ने बजर बटन दबाया है, और जैसा कि तुम जानती हो मिस्टर अनिरुद्ध की टीम में जगह नहीं है। और अगर तुम ये बात जानकर भी मिस्टर उत्कर्ष की टीम को ज्वाइन करने से रिजेक्ट करती हो तो तुम्हें एलिमिनेट होकर रिवाइवल कॉन्टेस्ट में जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं रिवाइवल कॉन्टेस्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, विधि बिना सोचे समझे बोली। तभी अचानक से फोटोज क्लिक होने की आवाज आने लगी। विधि हाथ में माइक पकड़े स्टेज पर सर ऊंचा किए खड़ी थी। आस पास खड़े मीडिया के लोग स्टेटमेंट के साथ विधि की फोटोज ले रहे थे। इस लड़की में कितना एटीट्यूड है, इसने दी बेस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री उत्कर्ष सिंह को रिजेक्ट कर दिया, और बस ये अभी एक न्यू कमर है। इस बारे में आपका क्या कहना है मिस्टर उत्कर्ष? एंकर ने सिचुएशन को और ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए उत्कर्ष से सवाल किया। अगर सच कहूँ तो मुझे थोड़ा बुरा लगा है। उत्कर्ष के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि अगले ही सेंटेंस में उसने वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को हैरान कर दिया। वैसे मैं विदुषी की सिचुएशन समझता हूँ। एक आर्टिस्ट कभी नहीं चाहते कि उसके नाम पर किसी बड़े आर्टिस्ट का नाम जोड़ा जाए। एक असली आर्टिस्ट हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे आर्टिस्ट से डिफरेंट रहने की कोशिश करता है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन विदुषी जो कुछ भी मैंने तुमसे पहले कहा मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। इस स्टेटमेंट से लोगों के बीच शोर मचना शुरू हो गया। क्या सच में उत्कर्ष सिंह ने इस नई सिंगर से अभी माफी मांगी? टीवी के सामने बैठी मुक्ति अपने दांत चबाने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर उत्कर्ष को इस कमीनी लड़की से माफी मांगने की क्या जरूरत थी? हालांकि मुक्ति अचानक से मुस्कुराने लगी। मिस्टर उत्कर्ष ने जान बूझ कर विदुषी से माफी मांगी है, मैं जानती हूँ
मिस्टर उत्कर्ष अब इस लड़की को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो बस खुद को मीडिया के सामने छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि लोग विदुषी को और ज्यादा एरोगेंट समझे। मिस्टर उत्कर्ष, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। हालांकि उत्कर्ष ने एक बार फिर से अपना माइक उठाया और विधि से सवाल किया, अब तो मैंने तुमसे माफी भी मांग ली, क्या तुम अब मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहोगी? अच्छा, तो इसीलिए उत्कर्ष ने विदुषी से माफी मांगी थी।